नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आदमपुर उपचुनाव में इस बार बीजेपी ने भजनलाल परिवार के सहारे जीतने की रणनीति तय की है। बीजेपी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए भव्य बिश्नोई को टिकट दिया है। आदमपुर पूर्व सीएम भजनलाल का गढ़ माना जाता है। देखिए रिपोर्ट। आदमपुर उपचुनाव की सियासी शतरंज पर शह और मात का खेल शुरू हो गया है। आदमपुर विधानसभा सीट पर भजनलाल परिवार का वर्चस्व रहा है। अब इसी सीट पर भजनलाल की तीसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। कुलदीप बिश्नोई के लाल कमल के सहारे आदमपुर के चुनावी रण में उतर चुके हैं, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। भव्य अपनी राजनीतिक पारी की दूसरी इनिंग बीजेपी में खेल रहे हैं। भव्य ने वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और तब वो बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह से हार गई थी। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मंडी आदमपुर पहुंचे भव्य बिश्नोई ने कहा कि विपक्षी दलों को चैलेंज है कि आदमपुर उनका परिवार है, इसे नहीं ले सकते। कि आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है। चौधरी भजनलाल महज एक चेहरा पेश करती है। इस बार मेरा सौभाग्य कि मुझे मौका मिल पाए। देखिए, एक तरफा चुनाव रहेगा, मैं नंबर तो नहीं आपको दे पाऊंगा। आदमपुर की जनता में बहुत उत्साह है। चैलेंज तो यही है कि आदमपुर की जनता का हमारा जो प्यार है, जो विश्वास है, उनको तोड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि अटूट है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ही जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि आदमपुर हलके में कुलदीप बिश्नोई का अपना एक विशेष रुतबा है। इसके साथ ही बीजेपी का साथ होने से भव्य बिश्नोई को और भी मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मुझे लगता है कि इन दोनों का हमें काफी बोनस के तरीके पे ये इसको हम सोच सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो कैंडिडेट वहां से है भव्य बिश्नोई, वो वहां से जीत दर्ज करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ रहा है और हम वहां से चुनाव जीत रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी का मजबूत कैंडिडेट होगा, कांग्रेस का गढ़ रहा है। मुद्दे है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है। आदमपुर उपचुनाव गठबंधन सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। मनोहर लाल सरकार के नेतृत्व में सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे साल में है। गत 8 सालों में ये चौथा उपचुनाव है। 3 उपचुनाव में से एक में बीजेपी, एक में कांग्रेस और एक में इनेलो विजयी रही हैं। वैसे तो भजनलाल का गढ़ रही है आदमपुर सीट, लेकिन इस बार उनके किले को भेदने के लिए विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस, इनेलो समेत आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से मैदान में है। इसके अलावा सोनाली फोगाट के परिजनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी कुलदीप बिश्नोई परिवार की जीत में रोड़ा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।